मैं अपने शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स की दुकान पर काम करती थी। मेरे सेठ ने अपने दुकान पर ऐलान कर रखा था कि जो कोई भी मेरे बेटे के साथ शादी करेगा और उसके साथ एक रात गुजारेगा, मैं उसको लाखों रुपए दूंगा। मैंने उसके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो गई। बहुत लोग मुझे समझा रहे थे कि वह तो पागल है, उससे शादी क्यों कर रही हो, पर मेरे पापा का इलाज होना था इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जैसे ही दूल्हा मेरे कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम पलक है। मैंने अपनी पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल से की है। मेरे पापा की जूते चप्पल सिलने की एक छोटी सी दुकान है जिससे हमारा घर का खर्च चल पाता है। मैं बहुत होशियार थी पढ़ने में और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए स्कूल से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। उस स्कॉलरशिप से मैं दिल्ली में बड़े से कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं कॉलेज पढ़ने गई तो वहाँ पर कॉलेज अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और मैं एक गरीब मोची की बेटी लड़की थी, इसलिए किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी जो अमीर बाप की इकलौती औलाद होती है वह गरीब लोगों से लोगों को कुछ नहीं समझती, लेकिन पता तो चल ही जाता है एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर मैं स्कॉलरशिप के पैसों से पढ़ने के लिए आई हूँ। मैं किसी को कोई अपना फ्रेंड नहीं बनाया, कोई भी दोस्त नहीं बनाया, मैं सिर्फ अपने पढ़ने पर ही ध्यान देती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। एक दिन की बात है, कॉलेज में एक लड़का आया, उसका नाम राज था। जैसे ही उसका नाम था वैसा ही सारी कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे भागने लगी थी। सब लोगों के मुंह पर एक ही तारीफ रहती कि राज कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है। हर कोई लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। वैसे तो हमारे कॉलेज में लड़कों की कमी नहीं थी, एक से एक स्मार्ट थे और पैसे वाले भी थे, पर पता नहीं उस राज में ऐसी क्या बात थी जो हर लड़की उसकी हो जाना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि वह मेरे क्लास में मेरे साथ ही बैठता था। जब सर पढ़ा रहे थे तो मैंने एक नज़र उठाकर मैं सोच रही थी कि राज को एक नज़र उठाकर देख तो लूँ, जिसका पूरा क्लास हमेशा तारीफ करता रहता है कि राज ऐसा है, कोई भी नहीं है राज के जैसा। मैंने उसे एक नज़र उठाकर देखा था, सच ही कहते थे वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। कोई भी उस एक बार उसे देखे तो उसके अपना दिल दे बैठे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उससे अपना दिल दे बैठी थी। मन उसे राज से मैं उसे प्यार करने लगी थी, मन ही मन में उसे चाहने लगी थी। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने तुरंत ही अपनी नज़र नीचे कर ली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे लग रहा था कि वह ये सोच रहा होगा कि मैं उसे देख रही थी। फिर उसके बाद क्लास ख़त्म हो गई, हम धीरे धीरे रोज़ मिलने लगे, कभी कभी हमारी हेल्प भी कर देता पढ़ाई में। हम एक दूसरे से बातें करने लगे थे, सारी क्लास की लड़कियां मुझसे चलने लगी थी, कहने लगी थी राज पूरे कॉलेज की लड़कियों में किसी को कोई बात नहीं करता, लेकिन राज सिर्फ इस पलक से ही बात करता है। मैं खुश थी क्योंकि राज ने मुझे अपना फ्रेंड बनाया था। मुझे ऐसा लगता था कि राज मुझे चाहता था, मैं भी राज को चाहने लगी थी, पर हमने एक दूसरे से कहा नहीं था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, मैं राज का इंतज़ार कर रही थी पर राज आया ही नहीं। मैं दुखी मन से कॉलेज से घर आ गई। ना ही मैंने राज को अपना नंबर दिया था और ना ही राज से नंबर लिया था। फिर अचानक से मेरे पापा की तबीयत
खराब हो गई। डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट करने के लिए कहा। पापा रेस्ट करने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि घर का खर्चा कौन चलाता। हमारे घर पे सिर्फ हमारे पापा ही थे जो पैसा कमा कर घर लाते थे। तो मैंने पापा से कहा कि पापा आप चिंता मत करो, आप बेड रेस्ट करो, मैं बाहर जाकर काम करूँगी क्योंकि मेरी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं कॉलेज की, इसलिए कुछ समय के लिए कहीं जॉब कर लूँगी। मैं जब जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, एक जगह मेरी जॉब लग गई, वहाँ पर मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिलते थे। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पर मेरी जॉब लग गई। एक महीना ही हुआ था अभी कि बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और मुझसे कहा कि पलक, जितना तुम काम करती हो उस हिसाब से तुम्हारी पगार तो बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हाँ करूं या फिर ना करूं। मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं बॉस हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे कि मैं हाँ कहूंगी या फिर ना कहूंगी। फिर भी मैंने हाँ ही कह दिया क्योंकि सच में मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पापा की दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए होते थे और घर खर्च करने के लिए भी पैसे चाहिए होते थे। तो मैंने भी हाँ कर दिया। तो फिर बॉस कहने लगा कि अगर तुमको और ज़्यादा पैसा चाहिए तो तुम पैसा कमा सकती हो। मैंने कहा कि कैसे, बताइए मुझे, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर ने कहा कि तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें मन चाहा पैसा दे दूँगा। तो मैंने पूछा कि किस तरीके से सर, बताइए। तो फिर बॉस ने कहा कि तुम खुद समझदार हो, इतना उन्होंने कहा ही था कि मैंने उनसे तुरंत ही कह दिया कि अपनी नौकरी को तुम अपनी जेब में रखो। आजकल की लड़कियां अपने घर से बाहर निकलने के लिए डरती हैं क्योंकि तुम जैसे तरिंदे घर के बाहर बैठे होते हैं। तुम्हारी नौकरी को मैं ठोकर मारती हूँ। यह कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई, अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ से गले लगकर रोने लगी और कहा, माँ ने कहा कि बाहर घर से बाहर निकलकर काम करना इतना आसान नहीं होता बेटा। तुम घर के बाहर बहुत सारे दरिंदे बैठे होते हैं जिनसे तुम्हें लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं कह रही थी कि रहने दो, तुम बाहर काम नहीं करो, मैं बाहर जाकर काम करूँगी, लेकिन मैंने माँ से मना कर दिया। मैंने कहा, माँ मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करूँगी, किसी दुकान पर जाकर काम करूँगी जिससे मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और कोई टेंशन वाली भी बात नहीं होगी। उससे तो अचानक मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि उनका तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। डॉक्टर ने कह दिया था कि मैंने डॉक्टर से कह दिया कि आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। फिर मैं काम ढूँढने लगी थी और फिर मुझे एक बड़े ज्वेलर्स की दुकान पर काम मिल गया था। मैं काम करने लगी थी। मैंने सेठ से बोला कि मुझे थोड़ा सा पैसा उधार चाहिए क्योंकि मेरे पापा का ऑपरेशन होना है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो सेठ ने कहा कि इस बारे में हम कल बात करेंगे। फिर मैं घर पर आ गई। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा रहने दो, ऑपरेशन नहीं करवाते, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कितना काम करोगी, घर चलाओगी या फिर मेरा ऑपरेशन करवाओगी। मैंने कहा, पापा आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। पापा बहुत दुखी हो रहे थे कि उनकी लड़की घर से जाकर बाहर काम कर रही है, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा था तो वह तो कहीं जाकर काम नहीं कर सकता था,
लेकिन मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जो कहीं बाहर जाके काम कर सके, इसलिए मुझे ही काम करना पड़ रहा था। दूसरे दिन जब मैं ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने के लिए पहुंची, तो सेठ ने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करो और उसके साथ एक रात गुजारो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा। मैंने सेठ से कहा कि यह क्या कह रहे हो। सेठ ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सच है। मैंने मन ही मन सोचा था कि कितना पैसा वाला है, फिर भी इसके लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही है, इस तरीके से शादी क्यों करवाना चाहता है पैसे देकर, उल्टा इसको तो पैसे मिलना चाहिए। मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने स्टाफ की लड़कियों भी काम करती थी, मैंने उनसे पूछा कि सेठ ने मुझसे ऐसा कहा है कि मैं उनकी लड़के से शादी करूंगी तो मुझे मन कैसा पैसा देंगे। दूसरी लड़कियों ने कहा कि सेठ ने यह प्रस्ताव हर एक लड़की के पास रखा है, हम सब लड़कियों ने मना कर दिया था क्योंकि इसका लड़का राज बहुत ही ज़्यादा शाइको है, उसकी 3 शादी हो चुकी थी, एक भी बीवी उसके साथ नहीं रह रही है, तीनों का उसका तलाक हो चुका है, वह पागल है, उससे शादी करने के लिए तुम बिल्कुल राजी मत होना, सेठ तो किसी लड़की को फंसा कर अपने बेटे का घर बसाना चाहता है। तो मैं अपने काम से घर आ गई तो मैंने सारी बातें अपनी माँ को बताई कि माँ ने मुझे समझाया कि बेटा तुम वहाँ शादी नहीं करोगी, क्या पता वह लड़का कैसा है, जब सब लोग कह रहे हैं कि वो लड़का पागल है तो वो पागल ही होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए पहुंच गई। मैं इस प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी कि क्या करूं, हाँ करूं या फिर ना करूं। पापा का ऑपरेशन होना था, पैसे कहाँ से आते, यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह नहा धोकर मैं काम पर पहुंच गई, काम पर पहुंचने के बाद मैंने सेठ से बोला कि मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। स्टाफ की सारी लड़कियाँ मुझे देखने लगीं और मुझे समझाने लगीं कि ऐसा मत करो फलक, वह लड़का पता नहीं कैसा होगा, साइको है, तुम्हारे साथ क्या करेगा क्या पता। फिर मैंने सबको समझाया कि मेरे पापा का ऑपरेशन होना है, घर का खर्च, पैसे तो चाहिए, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो मैं यह सारा खर्चा कैसे चलाऊं और पैसा कहां से लाऊंगी, इसके लिए मुझे हाँ करना पड़ा। फिर घर जाकर जैसे ही मैंने माँ को बताया कि मैं सेठ के बेटे से शादी कर रही हूँ, तो माँ ने मुझे समझाया कि ऐसा मत करो बेटा, मत करो बेटा कि मुझे, मैंने कहा माँ से मुझे तो शादी करनी पड़ेगी, मुझे पापा का ऑपरेशन करवाना है। दूसरे दिन मेरी शादी हो गई। सेठ ने बिल्कुल ही सादी तरीके से मेरी और राज की शादी करवा दी। जैसे ही सेठ ने कहा कि मेरा बेटा आता होगा तुम इस कमरे में बैठो, तब मुझे एक लड़के का नाम नहीं पता था, अब पता चल रहा है कि लड़के का नाम राज है। एक कॉलेज वाले लड़के की याद आ गई, उसका नाम भी राज था। फिर मैं सोचने लगी यह राज कैसे हो सकता है, और फिर वह साइको कैसे हो सकता है, यह तो वो राज हो ही नहीं सकता, वह राज हो ही नहीं सकता जो लड़का मेरे कॉलेज में पढ़ता था। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरे कमरे में आया और फिर उसने मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वह तो राज ही था, मेरे कॉलेज वाला। कुछ देर में चुप रही, फिर मैंने राज से पूछा, राज तुमको सब लोग साइको साइको क्यों कहते हैं, सब लोग ऐसा
क्यों कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है। फिर राज ने बताया कि कॉलेज समय से वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था और वह मुझसे शादी भी करना चाहता था, मगर उसके पापा राजी नहीं थे क्योंकि तुम बहुत गरीब परिवार से थी। इसलिए मेरे पापा शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स में से एक थे, हमारी शादी के लिए वो राजी नहीं हुए। फिर मेरे पापा ने मेरी शादी अपने एक दोस्त की बेटी से करवा दी, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में मान लिया था। फिर मैं किसी और को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखा। कुछ दिन बाद हमारा तलाक हो गया। फिर मेरे पापा ने मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दी, उसके साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं बन पाया और मेरा फिर उससे भी तलाक हो गया। इसी तरीके से मेरी तीसरी शादी भी टूट गई। फिर मैं अकेला रहने लगा, किसी से नहीं बोलता था और ना ही किसी से कोई बात करता था, ना ही टाइम पर खाना खाता था। मेरे पापा मेरा अकेलापन देखकर मेरे पापा बहुत दुखी रहते थे और उन्होंने मुझसे बोला कि तू जिस लड़की से शादी करना चाहता है उससे कर ले, क्योंकि मैं तुझे इस तरीके से दुखी रहता नहीं देख सकता हूँ। फिर मैंने तुम्हें बहुत ढूँढा पर तुम मुझे मिली ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था और ना ही तुम्हारा कोई एड्रेस था, तो मैं तुम्हें कहाँ ढूँढता। थक हार कर मैंने मेरे पापा से कह दिया कि अब आप जिस भी लड़की से मेरी शादी करोगे मैं उस लड़की से शादी करूँगा और अपना रिश्ता भी निभाऊँगा। एक दिन मेरे पापा ने आकर मुझसे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है, उसका नाम पलक है। पलक नाम सुनकर मैं चौंक जरूर गया था, क्योंकि मैंने सोचा इतनी बड़ी दुनिया में न जाने पलक नाम की कितनी लड़कियां होंगी। यह बिल्कुल नहीं सोचा कि तुम ही मुझसे मिल जाओगी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कहते हैं ना कि जिसको किस्मत में मिलना लिखा होता है वो ज़रूर मिल ही जाता है। यह भूलकर राज ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पलक, मैं तुमसे कह नहीं पाया। फिर मैंने भी राज से कह दिया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर सुबह दूसरे दिन जब ससुर जी ने राज को इतना खुश देखा तो वो बहुत खुश हो गए, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि मैं वह लड़की हूँ जिससे राज प्यार करते थे। मुझे भी ससुर जी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरी वजह से राज बहुत खुश हो रह रहा था। राज इतने पैसे वाला था कि मेरे मायके का पूरा खर्चा उठा लेता और मेरे पापा का इलाज भी करवा रहा था। आज हम बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।